जीवन 24 पर और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। नेटफ्लिक्स, प्राइम, जियो सिनेमा ऐसे कई ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं जिन पर ऐसी ऐसी सीरीज आती हैं जो काफी चर्चा का विषय बन जाती है, ऐसी तारीफें बटोरती हैं या तो कभी कॉन्ट्रोवर्सीज का शिकार हो जाती है। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर सीरीज आई है IC 814 द गांधार हाईजैक, जो इस वक्त विवादों में है। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से नेटफ्लिक्स को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सीरीज को फिलहाल स्ट्रीम किया जा रहा है और इसका रिस्पांस भी अब तक ठीक ठाक है। हालांकि जब से सीरीज रिलीज हुई है तब से लेकर अब तक विवाद चल रहा है और इसे बायकॉट करने की मांग की जा रही है। लेकिन 6 एपिसोड की सीरीज में ऐसा क्या दिखाया गया जिस पर लेकर जमकर राजनीतिक बयानबाजी भी होने लगी है? क्या है पूरा मानसा? अब तक इसे लेकर क्या कुछ हुआ, चलिए हम आपको बताते हैं। अब तक क्या क्या हुआ? हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज IC 814 द गांधार हाईजैक पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वेब सीरीज ने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा दी है और अब केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट हेड मेनका शेरगिल को समन जारी कर दिया है। मंत्रालय का कहना है कि वेब सीरीज के कंटेंट को लेकर सवाल उठ रहे हैं, विवादों पर सफाई पेश करना काफी जरूरी है। इतना ही नहीं, बीजेपी की तरफ से भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने इसको लेकर कहा कि IC 814 द गांधार हाईजैक के फिल्म मेकर ने आतंकवादियों के गैर मुस्लिम नामों को दिखाकर उनके आपराधिक इरादों को एक तरह से वैलिडिटी दे दी है। क्या है पूरा विवाद? 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस वेब सीरीज में साल 1999 में हुए गांधार प्लेन हाईजैक की घटना को दिखाया गया है। इस घटना के दौरान भारतीय विमान को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था और इस वेब सीरीज में इसी घटना को दिखाया गया है। ये वेब सीरीज इसी आधार पर बनी है। हालांकि सीरीज में आतंकवादियों के नाम को लेकर विवाद अब खड़ा हो गया है। आरोप है कि निर्माताओं ने जानबूझकर आतंकवादियों का नाम भोला और शंकर रखा है, जबकि असली नाम छिपाई गई है। असली पहचान कुछ और थी। आतंकियों की पहचान छिपाई गई। अनुभव सिन्हा की डायरेक्शन में बनी इस सीरीज को लेकर पूरा विवाद इस बात को लेकर खड़ा हुआ है कि आतंकवादियों के असली नामों का जिक्र इस सीरीज में क्यों नहीं है। अगर ये सीरीज पूरी तरह से सच्ची घटना पर आधारित है तो इसमें हाईजैक करने वालों के भी नाम असली होने चाहिए थे। अगर रिपोर्ट की माने तो असली नाम है इब्राहिम अतहर, सनी अहमद काजी, जहूर इब्राहिम, शाहिद अख्तर और सैयद शाकिर। इसके बावजूद सीरीज में इन नामों को शामिल नहीं किया गया, जिस पर दर्शक और आलोचक गुस्से में हैं। ऊपर से सोने पे सुहागा सीरीज में आतंकियों के नाम भोला और शंकर रख दिए गए हैं, जो कि हिंदू की भावनाओं को आहत करने वाला है। हाईजैक की कहानी पर बेस्ड है फिल्म। IC 814 द गांधार हाईजैक में मैच बॉक्स शॉट और बनारस मीडिया वर्कर्स ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। ये सीरीज देवी शरण और पत्रकार श्री जॉय चौधरी की किताब फ्लाइट इनटू फियर द कैप्टन स्टोरी पर आधारित है। IC 814 द गांधार हाईजैक की कहानी की बात करें तो इस सीरीज में भारत के उन 7 दिनों की कहानी है जिसके लिए उस वक्त की मौजूदा सरकार की भी आलोचना की गई थी। आलोचना का उस वक्त की सरकार को भी सामना करना पड़ा था। काठमांडू से भारतीय विमान IC 814 ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन प्लेन दिल्ली पहुंचने से पहले ही हाईजैक हो गया था। प्लेन को हाईजैक करने वाले आतंकियों ने मांग की थी कि इस विमान के बदले उन्हें जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर जैसे 3 खतरनाक आतंकियों की रिहाई चाहिए। हालांकि मौजूदा सरकार के लिए ये फैसला बेहद मुश्किल था, लेकिन मासूमों को बचाने के लिए सरकार के पास और कोई भी रास्ता नहीं था। इस वेब सीरीज में विजय वर्मा, नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, दिया मिर्जा, पत्रलेखा पूजा गौर और कुमुद मिश्रा जैसे सितारे नजर आ रहे हैं। सीरीज ने अपनी रिलीज के साथ ही जबरदस्त हाइप बना रखी है, लेकिन अब विवाद की वजह से फिल्म के मेकर्स को लेने के देने पड़ गए हैं। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन इस रिपोर्ट को सुनने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और साथ ही ऐसी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए।